हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, अभी अभी एक स्टूडेंट बिहार से कॉल किया था और उनका ये सवाल है कि उनका माइनिंग इंस्पेक्टर बिहार में सिलेक्शन हो गया है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 10 तारीख को है और उसका WCL में भी सिलेक्शन हो गया है, तो वो क्या करेगा? अगर WCL पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है और अगर वो वहाँ जाता है और उसका सर्टिफिकेट जमा ले लेता है तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में? और बिहार माइनिंग इंस्पेक्टर चूंकि वो एक ज़्यादा रॉयल जॉब है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या वो WCL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देगा? उसका यही क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, देखने को मिला है जो स्टूडेंट लोग हैं ना, काफ़ी अभी नया नया स्टूडेंट है, उन लोग को उतना अभी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम ना माइनिंग सेक्टर में बहुत पहले से होता था, लड़का जानकारी का अभाव में अच्छा अच्छा जॉब को छोड़ दे रहा था मिस्टेक से, ताकि उसको मतलब उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो फ्रेंड्स, उसको बता दे कि जो WCL वेरिफिकेशन करेगा या जो मेरा ECL में वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 सर्टिफिकेट जमा मांगेगा अगर मांगना हुआ तो। पहला ओवरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट या जो भी आपका स्टैचुरी सर्टिफिकेट है वो जमा मांगेगा। दूसरा गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपसे जमा मांगेगा। तीसरा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपसे जमा मांगेगा। बाकी सारा सर्टिफिकेट जो फ्रेंड है ना, उसको जमा नहीं लेगा वो, उसको वो अपना कस्टडी में नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला था उसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा था, वहाँ कहीं से भी स्टैचुरी सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। इसलिए आप निफिकिर होकर के WCL का वेरिफिकेशन कराने जाइए, क्योंकि माइन इंस्पेक्टर का कोई गारंटी नहीं है कि वो कब ज्वाइनिंग करवाएगा, लेकिन WCL एक महीना के अंदर ज्वाइनिंग करवा देगा। और नौकरी जहाँ मिल रहा है वहाँ पकड़ लीजिए, नौकरी छोड़ना कोई होशियारी का बात नहीं है, बुड़बक का पहचान है कि जो अपना पहला नौकरी छोड़ देता है। एकदम फ्री होकर के आप WCL जाइए, ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपसे सर्टिफिकेट जमा मांग रहा है तो 3 ही सर्टिफिकेट जमा मांगना चाहिए, या 3 सर्टिफिकेट अगर जमा ले भी ले रहा है तो आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा चीज़, जो आपका स्टैचुरी सर्टिफिकेट जो आप जमा दीजिएगा उसका स्कैन कॉपी आप अच्छा से रखिएगा अपना मोबाइल में, उसका एक कलर जेरोक्स करवा करके भी रख लीजिएगा। और तीसरा चीज़, जब आप वहाँ जमा दीजिएगा तो उसके बदले में आपको प्रूफ देगा, वो प्रूफ को साथ में रखिएगा। ये सब चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि माइनिंग फील्ड में और जानकारी का अभाव में किसी भी स्टूडेंट का जॉब ना छूटे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी का अभाव में 2 जगह सेलेक्ट होने के बाद भी उसका ज्वाइनिंग कहीं नहीं हो पाता, वो दोनों जगह से छूट जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।